शांति। आज की तारीख है 22/1/14 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक बड़ा ही प्यारा शीर्षक है। जब हम केजी क्लास में जाते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? अल्फाबेट में पहले हमें या तो ए बी सी सिखाया जाता, हिंदी में हम अ ब या तो क ख ग से शुरुआत करते हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा हमें सिखलाते हैं, मीठे बच्चे आध्यात्मिक पढ़ाई का अल्फाबेट का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर जो हमें स्मृति में रखना है वो क्या है? अलफ और बे। अलफ माना बाबा और बे माना बाबा का वर्षा। तो अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। बाबा कहते बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो हमारा बाबा तो है ही। तो अपने बाबा को याद करना, कोई कहे बाप को याद करो, माना तुरंत हमको उस ही क्षण बाबा की याद आ जाती है, और बाप की याद आती है तो वर्षा भी याद आ जाता है। प्रश्न है, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? माना जिस खुशी का अंत न हो, बेसुमार खुशी, सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर है, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। जब हम खुद धारण करते हैं, फिर दूसरों को जब धारण कराते हैं तो उनको धारण करता हुआ देखकर खुशी होती है। जब हम ज्ञान रत्न से अपनी झोली भरते हैं, फिर हम उस ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो हमें बेअंत खुशी होती है। बाबा कहते हैं कि बहुतों का कल्याण करो, जैसे हमारा कल्याण बाबा के द्वारा हुआ, ऐसे हम जब बहुतों का कल्याण करते हैं तो हमारी खुशी भी बहुत बढ़ती है, अर्थात बेअंत होती जाती है। तो सदा ये स्मृति में रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1 है, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि कैसी बनाएं? बाबा कहते हैं गोल्डन एज की बनाओ, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व न रहे, एक बाबा की याद रहे और बाप से ही प्यार हो, कहीं ममत्व न जाए, बाबा में ही रहे। नंबर 2 है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए कौन सा अभ्यास करें? अशरीरी बनने का अभ्यास करो, अपनी चाल भी देखो। अपनी चाल में हम क्या देखें? बाबा कहते हैं कि किसको दुख तो नहीं देते हैं, बाप समान मीठे बने हैं। जैसे बाबा ने हमें सुख दिया, हमें कभी बाबा ने दुख नहीं दिया, तो हम ऐसे बाप समान मीठे बने हैं। वरदान है, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की सेवा में रहते, हमारी जो संपूर्ण स्टेज है संपूर्णता, उसकी समीपता की अनुभूति, माना हम काफी संपूर्णता धारण कर चुके हैं, तो ऐसी अनुभूति करने वाले
ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव, बाबा कहते मिसाल बनो, आदर्श बनो, जो देख करके हमको उनको प्रेरणा मिले, अनेकों को जीवन बनाने की प्रेरणा मिले। वरदान है सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते समाचार सुनते एकांतवासी बन जाते थे, एक घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार को समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देते थे, ऐसे फॉलो फादर करो। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, तो ऐसे बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने कभी भी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है। दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। स्लोगन है हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही, कर्म कर रहे हैं पर योग में रहते हुए कर रहे हैं, तो ये अनुभव होना ही कर्म योग है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।